सूरत के भाटेना में खाड़ी पर पंचशील नगर झुपड़पट्टी में महानगर पालिका द्वारा किया डिमोलेशन। शहर के लिम्बायत के भाटेना क्षेत्र में खाड़ी के किनारे स्थित झोपड़पट्टियों को नगर निगम द्वारा आज बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। हालांकि शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों के उग्र विरोध के कारण पुलिस कर्मियों ने मामले को नियंत्रित कर लिया। शाम तक खाड़ी में बॉक्स ड्रेन के संचालन में शामिल लिम्बायत जोन के दबाव विभाग द्वारा लगभग 30 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। लिम्बायत जोन क्षेत्र में शामिल टीपी स्कीम 7 अंजना में FP नंबर 184 से दर्ज भूमि पर स्थित पंचशील कॉलोनी में लिम्बायत जोन द्वारा सुबह से ही डिमोलेशन की कार्यवाही की गई। एक समय इस स्थान से गुजरने वाली खाड़ी के बॉक्स ड्रेन ऑपरेशन के बाद झोपड़पट्टियों को हटाने के लिए पहुंचे लिम्बायत जोन दबाव विभाग के कर्मचारियों को मालिकों ने घेर लिया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण काफी मशक्कत के बाद डिमोलेशन की कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि भाटेना से होकर गुजरने वाली खाड़ी की बॉक्स ड्रेनिंग की योजना महानगर पालिका द्वारा करोड़ों की लागत से की गई। इस कार्यवाही के तहत संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें से पंचशील नगर की 30 झोपड़ियों को आज तोड़ दिया गया। आने वाले दिनों में इसी क्षेत्र की 60 झोपड़ियों को भी हटाया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।